Hello kids, in this video I am going to explain you the question, one of the question of data handling. In a factory, total number of workers are 25. Out of them, the average monthly salary of 15 workers is ₹8,500, whereas the other 10 workers have an average salary of 9,800. Find the monthly salary. Means the average salary of 15 workers and 10 workers has been given, and we have to find out the average salary of all the workers, 25 workers. You can see that payment or the average of 15 workers and 10 workers are different from each other. So we know the formula. First I want to tell you the formula again. Average is equal to sum upon number of observation. So whenever the value of average is given and number of observation is given, so we can find out the sum. सम मतलब जो टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू होगी, जितनी भी हमको वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, उन सबका सम जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. एवरेज मतलब सम को जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज मिलेगा. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 25, आउट ऑफ देम द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15. तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 workers is equal to ₹8,500. 15 is the number, तो ये कहाँ पर आएगा हमारा डिनोमिनेटर में, हमने 15 लिख दिया. यहाँ पर सम हमको नहीं पता है और ये एवरेज मंथली सैलरी है. दिस इज एवरेज. एवरेज मीन्स इस साइड पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमारा एवरेज लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और ये जो फॉर्मूला है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट हैंड साइड में रहता है. नाउ विद दी हेल्प ऑफ द इक्वेशन, अब ये हमारे पास सम एक अननोन वैल्यू है, इसको अगर हम एक्स ले लें या कोई भी एक वेरिएबल ले लें, तो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन बन गया, 8500 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15. नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर जो सम होगा और उसी को हम एक्स लिख देते हैं, सो इट विल बी 15 इंटू 8500. इतना ध्यान रखिएगा कि एवरेज हमेशा कम होता है और जो सम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि सम को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तब हमको एवरेज मिलता है. तो एवरेज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो 15 इंटू 8500 विल गिव अस ₹1,27,500. इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द एवरेज द टोटल सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स. नाउ एवरेज मंथली सैलरी, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स इज ₹9,800. फिर से हम फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूला तो यही यूज़ कर रहे हैं हम लोगों ने, एक बार लिख लिया. तो एवरेज मंथली सैलरी 9,800, तो 9,800 हम कहाँ रखेंगे, एवरेज की जगह पे. सम हमको निकालना है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 10. यहाँ भी अगर हम इसको x ले लें तो x या सम इज इक्वल टू 9,800 इंटू 10. ये हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं क्लास 6 में, उसी की हेल्प से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वैल्यूज़ निकालते हैं. इट इज़ ₹98,000 एंड इट इज़ ₹1,28,500. अब हमारे पास टोटल सम कितना हो गया, मतलब टोटल पेमेंट कितनी हो रही है, टोटल सम कितना हो गया, 1,27,500 प्लस 98,000. So this is the total sum which has been distributed among 25 workers. So it is 2,25,500. ये total पैसा ये distribute हो रहा है 25 workers के बीच में, मगर 15 लोगों को कुछ अलग amount दिया जा रहा है और 10 लोगों को कुछ अलग amount दिया जा रहा है, इसलिए उनका average अलग होगा. अब हमको निकालना है कि लगभग 25 में से लगभग हर जो worker है वो कितना उसको payment मिल रहा है. तो average मंथली सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स की एवरेज सैलरी होती है, 10 की अलग दी थी और 15 की अलग. तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स मीन्स द सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम कितना है, 2,25,500 डिवाइडेड बाय और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 25 वर्कर्स हैं हमारे पास, ठीक है. और इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9,020.